नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। आज की सबसे पहली खबर, बिहार में NDA को बहुमत, अमित शाह ने CM नीतीश से की बातचीत, फिर सुशासन बाबू ही बनेंगे मुख्यमंत्री। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में NDA को बहुमत मिला है। NDA को इस चुनाव में 125 सीटें मिली है, जो कि स्पष्ट बहुमत है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का जलवा बरकरार रहने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने खुशी जताई है। PM मोदी ने ट्वीट करके बिहार वासियों को बधाई दी है। वहीं होम मिनिस्टर अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की है। बिहार में NDA सरकार के ऊपर लोगों ने एक बार फिर से भरोसा जताया, लेकिन इस बार JDU छोटे भाई की भूमिका है, क्योंकि CM नीतीश की पार्टी से अधिक BJP ने लगभग 2.5 दर्जन सीटों पर जीत हासिल की है। आपको बता दें कि भाजपा को इस बार 74 सीटें मिली है, लिहाजा वह बड़े भाई की भूमिका में है। JDU को वहीं पर 43 सीटें मिली है। पूर्व CM जीतन राम मांझी की पार्टी हम को 4 और मुकेश सहनी की VIP को 4 सीटें मिली है। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी की पार्टी महागठबंधन इस बार 110 का ही आंकड़ा छू पाई, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो कांग्रेस को हुआ है। कांग्रेस इस बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, जिसमें से 18 सीट ही मिल पाई। कांग्रेस 2015 में 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, जिसमें उन्होंने 27 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार 70 सीटों में मात्र 18 सीटों पर ही उन्होंने जीत हासिल की है। अगर महागठबंधन की पूरी बात करें तो राजद को 71, कांग्रेस को 18, भाकपा माले को 11, भाकपा को 2 और माकपा को 2 मिला है। अगली बड़ी खबर, तेजस्वी यादव राघोपुर से जीत गए हैं, BJP प्रत्याशी को भारी अंतर से हराया है। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव में RJD नेता तेजस्वी यादव ने अपनी राघोपुर सीट से जीत दर्ज कर ली है। तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिद्वंदी भाजपा के उम्मीदवार सतीश कुमार से 35,547 वोटों की विशाल वोट से हरा दिया है। राघोपुर तेजस्वी यादव की पारंपरिक सीट रही है। तेजस्वी 2015 के विधानसभा चुनाव में भी यहाँ से जीत हासिल कर चुके हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन के CM चेहरा तेजस्वी यादव को अपने विधानसभा क्षेत्र में 89,408 वोट मिले हैं। वहीं दूसरे नंबर पर रहे BJP उम्मीदवार को 53,861 वोट हासिल हुआ है। RJD ने खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा, लो मार्जिन पर धांधली की कोशिश का लगाया आरोप। मनोज झा बोले, लोकतंत्र पर कुठारघात बर्दाश्त नहीं। नेक टू नेट फाइट की स्थिति में पहुंच गई मतगणना के बीच महागठबंधन ने CM नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी सांसद और वरिष्ठ नेता मनोज झा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम अभी भी 200% आश्वस्त है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। ये बात हम तब की बता रहे जब वोट की गिनती की जा रही थी। उन्होंने प्रशासन पर राजद और महागठबंधन के जीते हुए कई उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट ना देने, महागठबंधन की जीती हुई सीटों पर रिकाउंटिंग का बहाना बनाकर हराने की कोशिश करने और सरकार के इशारे पर साजिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि CM नीतीश के घर पर इस वक्त भाजपा के कई बड़े नेता बैठे हैं, शासन प्रशासन पर दबाव बना रहा है, महागठबंधन को हराने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे नेताओं और अधिकारियों के बारे में राजद को पूरी जानकारी है। अगली बड़ी खबर, चिराग की पार्टी ने नीतीश कैबिनेट के 7 मंत्रियों की उम्मीदों पर पानी फेरा है। जदयू के 5 और भाजपा के 2 हारे हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने जदयू को गहरी चोट पहुंचाई है। लोजपा की वजह से जदयू के 5 मंत्री समेत नीतीश कैबिनेट के 7 मंत्री चुनाव हार गए हैं। इनमें भाजपा कोटे के 2 मंत्री सुरेश शर्मा और ब्रिज किशोर बिंद शामिल हैं। वहीं आगे हैं जय कुमार सिंह के कदावर नेता और बिहार सरकार के मंत्री जय कुमार सिंह चुनाव हार गए हैं। रोहतास के दिनारा सीट से लगातार जीत रहे जय कुमार
सिंह की हार की वजह भाजपा से लोजपा में गए राजेंद्र सिंह है। इसके बाद है सुरेश कुमार शर्मा। बिहार के नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा मुजफ्फरपुर से चुनाव हार गए हैं, उन्हें कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी ने हराया है। वहीं दूसरे हैं संतोष कुमार निराला। राजपुर विधानसभा सीट से मंत्री संतोष कुमार निराला चुनाव हार गए हैं। 2015 की नीतीश सरकार में संतोष कुमार निराला परिवहन मंत्री रहे हैं। वे कांग्रेस के विश्वनाथ राम से चुनाव हारे हैं। इसके बाद का नाम है शैलेश कुमार। बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार जमालपुर से हार गए हैं। उसके बाद है कृष्ण नंद वर्मा। घोसी विधानसभा सीट से बदलकर जहानाबाद गए बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंद वर्मा चुनाव हार गए हैं। और अंतिम जो है वो है ब्रिज किशोर बिंद। बिहार के खनन मंत्री ब्रिज किशोर बिंद ने भगवान शिव की जाति बताई थी, वो चैनपुर से चुनाव हार गए हैं। अगली बड़ी खबर है सहरसा विधानसभा सीट से। यहाँ पर बीजेपी के आलोक रंजन ने आरजेडी की लवली आनंद को हराया है। जी हाँ, सहरसा विधानसभा सीट से महागठबंधन की प्रत्याशी लवली आनंद एनडीए के उम्मीदवार आलोक रंजन झा से हार गई है। लवली आनंद बिहार के चर्चित पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी है। आनंद मोहन इन दिनों आईएस कृष्णा हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। लवली आनंद 1994 के उपचुनाव में अपने पति के नवगठित बिहार पीपुल पार्टी से वैशाली सीट से चुनाव लड़कर लोकसभा पहुंची थी। फिर वो बाढ़ व नबीनगर से एक एक बार विधायक भी रही है। पिछला विधानसभा चुनाव उन्होंने हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के टिकट पर शिवर से लड़ा था और महज 461 वोटों के मामूली अंतर से उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। ओवैसी उपेंद्र कुशवाहा व मायावती ने बिगाड़ दिया आरजेडी और महागठबंधन का खेल। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में मुख्य मुकाबला भले ही एनडीए और महागठबंधन के बीच रहा, मगर इस चुनाव में दो और गठबंधन भी थे। इसमें पप्पू यादव की अगुवाई वाला प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन और उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाला ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट शामिल है। पप्पू का गठबंधन कुछ खास ना कर सका, वे खुद भी मधेपुरा सीट से हार गए, लेकिन दूसरे गठबंधन ने आरजेडी और महागठबंधन की तमाम सीटों का गणित बिगाड़ दिया। ओवैसी और मायावती की बीएसपी ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी के खाते में भले ही कोई सीट न आई हो, लेकिन गठबंधन की भूमिका इस चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण रही। आरएलएसपी ने दिनारा केसरिया सहित कई सीटों पर अपनी अच्छी उपस्थिति दर्ज कराई। बीएसपी ने यूपी से सटी बिहार के इलाकों में अपना दम दिखाया। रामगढ़ सीट पर बीएसपी के अंबिका सिंह और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह में कड़ा मुकाबला रहा। दूसरी ओर इस चुनाव में ओवैसी भी बहुत बड़ा एक्टर बनकर उभरे हैं। मिथिलांचल से लेकर कोसी और सीमांचल के इलाके तक ओवैसी ने गहरा प्रभाव छोड़ा है। वहीं अगली बड़ी खबर मोकामा विधानसभा सीट से है। आरजेडी के अनंत सिंह ने जेडीयू के राजीव लोचन को हराया। जी हां, मोकामा विधानसभा सीट से राजद उम्मीदवार अनंत सिंह जीत चुके हैं। अनंत सिंह ने जेडीयू के राजीव लोचन नारायण सिंह को हराया है। इस प्रकार अनंत सिंह पांचवी बार मोकामा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने हैं। अगली बड़ी खबर हसनपुर विधानसभा सीट से आरजेडी के तेज प्रताप ने जीत दर्ज की है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में समस्तीपुर जिले के हसनपुर विधानसभा सीट से आरजेडी के तेज प्रताप यादव ने जीत दर्ज कर ली है। हसनपुर सीट पर 54.5% मतदान हुआ था। इस वीआईपी सीट से पूर्व मुख्यमंत्री दंपति लालू यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे और महागठबंधन से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव के बड़े भाई चुनावी मैदान में थे। 2015 में तेजस्वी के साथ ही अपना राजनीतिक करियर की शुरुआत करने वाले तेज प्रताप यादव महागठबंधन की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे थे। आपको बता दें कि हसनपुर विधानसभा सीट से महागठबंधन की ओर से राजद उम्मीदवार और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप के अलावा जदयू के वर्तमान विधायक राजकुमार राय, पप्पू यादव पार्टी से जाप के अर्जुन प्रसाद यादव, लोजपा से युवा मनीष सहनी, आम अधिकार मोर्चा से दिलीप कुमार, राष्ट्रीय जन विकास पार्टी के भानु पंडित, राष्ट्रीय सेवा दल से वीरेंद्र यादव एवं निर्दलीय प्रत्याशी संजीव कुमार आदि मैदान में थे।
अगली बड़ी खबर, नोटा से भी हार गई पुष्पम प्रिया चौधरी, दोनों सीट पर जमानत जब्त, बोली ईवीएम में धांधली हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग सामने आ गए हैं। बिहार चुनाव में एनडीए को 125 सीटों पर जीत हासिल कर ली है, जबकि महागठबंधन को 110 विधानसभा सीटों पर जीत मिली है। इस बार के चुनाव में सबकी निगाहें द प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया चौधरी के ऊपर भी थी, जो नोटा से भी हार गई है। पुष्पम ने हार के बाद ईवीएम मशीन पर सवाल खड़ा किया। आपको बता दें कि पुष्पम प्रिया चौधरी इस बार बिहार के 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, जिन्होंने ईवीएम में धांधली का आरोप लगाया है। पुष्पम प्रिया बिस्पी सीट से चुनाव मैदान में थी, जिन्हें मात्र 1155 वोट मिले हैं। इस सीट पर नोटा को 2407 वोट मिले हैं, जो कि पुष्पम के वोट का दोगुना से भी ज्यादा है। इस सीट पर इनका जमानत जब्त हो गई है। इसके अलावा पुष्पम प्रिया चौधरी बाकीपुर सीट से भी चुनाव लड़ रही थी, इस सीट पर उन्हें मात्र 2640 वोट ही मिले। हालांकि बिस्पी सीट से यह ज्यादा है, लेकिन जमानत बचाने के लिए यह नाकाफी है। बीजेपी ने नीतीश को नहीं दिया जीत का श्रेय, संजय जायसवाल बोले नरेंद्र मोदी के कारण बिहार में जीत। जी हां, चुनाव परिणाम पर बीजेपी का आधिकारिक बयान आया है। पार्टी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के कारण बिहार में एनडीए को जीत होने जा रही है। बीजेपी ने एक बार फिर नीतीश का नाम तक नहीं लिया है। कल शाम के लगभग 6 बजे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत होने जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय जाता है। जिनकी योजनाएं गरीबी की झोपड़ी तक पहुंची है, बिहार की एनडीए सरकार ने भी अच्छा काम किया है। 2 लाइन के बयान के बाद संजय जायसवाल मीडिया के किसी सवाल का जवाब दिए बगैर ही निकल गए। अगली बड़ी खबर, सिमरी बख्तियारपुर से मुकेश सहनी चुनाव हार गए हैं, आरजेडी प्रत्याशी यूसुफ सलाउद्दीन ने दी मात। जी हां, सिमरी बख्तियारपुर से एनडीए के सहयोगी दल वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी चुनाव हार गए हैं। उन्हें आरजेडी के यूसुफ सलाउद्दीन केसर ने हराया है। यूसुफ सलाउद्दीन केसर लोजपा सांसद महबूब अली केसर के बेटे हैं। हालांकि वीआईपी के 4 प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं, जिसमें बोचहा से मुसाफिर पासवान, अलीनगर से मिश्री लाल यादव, साहेबगंज राजू सिंह और गोड़ा बैराम से स्वर्णा सिंह की जीत हुई है। ऐसे में मुकेश सहनी का हारना बड़ा ही आश्चर्य की बात है। आपको बता दें कि मुकेश सहनी की जीत के लिए वहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैली की थी। हसनपुर से तेज प्रताप यादव चुनाव जीते, लेकिन परसा से उनके ससुर चंद्रिका राय हार गए हैं। जी हां, तेज प्रताप यादव भले ही चुनाव जीत गए हों, लेकिन उनके ससुर चंद्रिका राय परसा से जेडीयू की टिकट पर चुनाव हार गए हैं। चंद्रिका को जिताने के लिए उनकी बड़ी बेटी ऐश्वर्या राय, उनकी छोटी बेटी और पत्नी कई दिनों से चुनाव प्रचार परसा में कर रही थी। पिता को जिताने के लिए ऐश्वर्या राय परसा में रोड शो भी किया था। यही नहीं, नीतीश कुमार के सामने ऐश्वर्या ने मंच पर भाषण देकर पिता और जेडीयू को जिताने की अपील की थी, लेकिन उसके बाद भी चंद्रिका राय यहां से चुनाव हार गए। चंद्रिका राय को उनके ही समधी लालू प्रसाद की पार्टी के उम्मीदवार छोटे लाल यादव ने हरा दिया है। अगली बड़ी खबर, बात करते हैं आईपीएल 2020 की, जहां पर मुंबई इंडियंस ने जीता अपना 5वां खिताब, दिल्ली को फाइनल में 5 विकेट से हराया। इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन के फाइनल मैच में दिल्ली कैपिटल ने मुंबई के सामने जीत के लिए 157 रन का लक्ष्य रखा। इसके जवाब में मुंबई की टीम ने 157 रन का लक्ष्य 19वें ओवर में ही पूरा कर लिया, जिसमें रोहित शर्मा की शानदार 50 रही है, और इसके बाद मुंबई इंडियंस ने अपना 5वां खिताब जीत लिया है। तो चलिए अब बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है। जी हां, राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 798 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 224,275 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 7,536 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। वहीं दूसरी तरफ राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में एक बार फिर से सबसे ज्यादा 304 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के भीतर 7 लोगों की कोरोना से जान चली गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 1151 तक पहुंच गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि महज 24 घंटों के भीतर 851 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं।
सकते हैं। तो इसी के साथ ये आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार के बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब